नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं मुख्य सेविका का, जो आपको कोर्ट में स्टेटस चल रहा है आपका वो क्या है, लगातार आप सभी लोग इसके लिए बात करने जा रहे हो। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी क्या फैसला आया, क्या जजमेंट मिला, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, वो भी इस वीडियो में देख के अच्छे से समझ लेना। वो क्या है, जैसे कि मैं बाहर थी, आप में से कई लड़कियाँ लगातार मुझे मैसेज कर रही थी कि मैम क्या स्टेटस है। हालांकि मुझे बताना चाहिए, मैं हमेशा कहती भी हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करे हो तो मेरी जिम्मेदारी में आपको हर चीज की अपडेट दूं, लेकिन मैं आपको ये बताने इसलिए जा रही हूं कि आप मुझसे पूछ रहे हो, लगातार परेशान हो रहे हो, उससे बेहतर ये है कि आपको बता दूं तरीका, जैसे मैं ढूंढती हूं वैसे आप खुद सर्च करके, अपना स्टेटस सर्च करके, और आप बल्कि मुझे बता दो कि मैम ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, तो पहले पूरी बात सुन लो, फिर उसके बाद हम लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे कि हुआ क्या है आज, ऐसा कुछ बहुत बड़ा फैसला आया है कि नहीं। तो पहले करना क्या है, देखो आपको गूगल पे जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट केस स्टेटस भी डाल सकते हो, या इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लिक कर लो। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लिक करोगे आप, तो देखो आपके पास दिख रहा है केस स्टेटस, पहले नंबर पे दिख रहा है, इसी को क्लिक करना, या अपने मोबाइल से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो आपको केस स्टेटस कैसे सर्च करना है, सर्च बाय केस नंबर, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अब देखो सर्च बाय केस नंबर में अगर आप जाओगे तो ये पूरा खुल के आएगा। क्या है, बहुत अच्छे समझ लो कि अब आपको पता है अभी हियरिंग चल रही है, जिस दिन से चल रही हो आप लगातार किसी के ऊपर डिपेंड हो, उसे बेहतर ये खुद से खोलो और देख लो। मैं जानकारी दूंगी, हमेशा पूरी जानकारी दूंगी, लेकिन डिले हो उससे बेहतर खुद से देख लेना। केस टाइप में जाओगे यहाँ पे, तो देखो ये आपका क्या है, ये रिट है। सीधे रिट का मतलब डब्ल्यू पे जाना है, सीधे डब्ल्यू पे चले जाना। रिट में जाओगे जब आप, तो वहां देखना रिट के भी तीन टाइप दिखेंगे आपको, रिट ए बी सी, आपको कौन सा करना है, रिट ए पे क्लिक करना है, क्लिक कर लो। इसके बाद इस वीडियो के बाद खुद से करके देख लेना। केस नंबर क्या है, केस नंबर बता दे रही हूँ, उसको याद कर लो क्योंकि वो हमेशा वही रहेगा, 12924। देखिए गलत टाइप हो गया है, 12924, 12924। केस ईयर क्या है इसका दोस्तों, 2022 है, और यहाँ पे आपका जो कैप्चा जो भी आपके उसमें लिख के आएगा उसको कर देना और एंटर मार देना। ठीक है, ये हमने कर दिया, बस ये 12924 याद रखना और ईयर याद रखना। ये देखो आगे आपका जो पिटीशन आपको पता है फाइल हुई है, अनीता सिंह एंड 75 अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स। अब जो आपको जो दिख रहा है ना आगे व्यू वाला, उसको क्लिक करोगे, एक एक चीज कब कौन सी हियरिंग हुई, पहली हियरिंग में क्या सुनने को मिला, सारा डिसीजन सब कुछ मिल जाता है। ये इसी के केस में नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जब से डिजिटल देखो चीजें हो गई हैं, तो यही क्लियरिटी है, आप किसी भी केस का कोई भी जजमेंट ऐसे आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पे जाओ व्यू पे, अब देख लो आपके पास आ गया ये फाइलिंग डेट, देखो कब की गई है, 23 अगस्त को की गई है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सब कुछ लिखा है, हियरिंग कब हुई, सबसे पहली हियरिंग इसकी 1 सितंबर 2022 को हुई है, ये देख लो, ये सब दिख रहा है आपको, एक एक चीज दिख रही है, कैटेगरी डिटेल, लिंक्ड केसेस, व्यू आईए डिटेल्स, व्यू लिस्टिंग हिस्ट्री कि कौन सी डेट मिली, ये सब आपको यहाँ देखिए, क्लिक करूंगी मैं अगर व्यू लिस्टिंग हिस्ट्री पे, तो ये देखिए पूरी लिस्टिंग आपको पता चल रही है। देखिए 18 जनवरी के बाद आपको पता है कब की डेट मिली थी, 13 फरवरी की, तो ये 18 जनवरी तक की यहाँ डेट लिखी हुई है, 13 फरवरी वाली अभी अपडेट नहीं हुई है, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग जाते हैं वापस से, मैं आपको दिखाने जा रही थी आपका स्टेट रिजल्ट, इस समय है क्या अपडेट, ये व्यू जजमेंट या ऑर्डर, इससे आपको पता चल जाएगा क्या फैसला आया है। तो आप इस पर क्लिक करोगे व्यू जजमेंट और ऑर्डर पे, तो देखो अभी क्या अपडेट दिख रहा है आपको, सबसे पहली सुनवाई 7 सितंबर, 20 सितंबर, 14 अक्टूबर, सब दिख रहा है ना, लास्ट आपको क्या दिख रहा है, 18 जनवरी, यानी कि अभी 13 फरवरी वाली अपडेट नहीं की गई है। मैंने पहले भी बताया था जब कोर्ट का कोई फैसला होता है वो हो जाता है, लेकिन तुरंत अपडेट नहीं करते, जो अपडेट करते उनको भी टाइम चाहिए होता है, बहुत केसेस लगे होते हैं, तो ये अभी आपका अपडेट नहीं हुआ है। 18 जनवरी तक का देखो ये अपडेट हुआ था ऑर्डर, 18 जनवरी वाला दिखा दे रही हूँ आपको, 18 जनवरी वाला देख लो ऑर्डर क्या है आपका, एक सेकंड बस दिखा रही हूँ इसको मैं, 760790, 18 जनवरी वाला दिखा दे रही हूँ आपको क्योंकि वो पड़ा हुआ है, तो वो दिखा दे रही हूँ आपको, देख लो ऐसे ही आपको इसके सारा देखना है। मैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको जो भी और देखना हो आप देख सकते हो। ये देखो 18 जनवरी वाला है, क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ टाइम केस कुड नॉट बी टेकन अप टुडे, कब का दिखा दिया गया, 13 फरवरी को। ठीक है, तो 13 फरवरी यानी कि आज कुछ ऐसा अपडेट नहीं हुआ है जो कि आपको बता दूं तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कुछ जबरदस्ती की बात नहीं बताना चाहती, मैंने इतना स्टेप सिर्फ इसलिए बताया,
आप 2-3 दिन बाद, मैं तो दे ही दूंगी आपको अपडेट, लेकिन आप खुद से भी इसको चीजों को सर्च कर सकते हो। 12924 कोर्ट का केस नंबर है, रिट ए टाइप करना और ईयर 2022 टाइप करना, सारी डिटेल आपको एक दो दिन में अपडेट हो जाएंगी 13 फरवरी की, वो मिल जाएंगी, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेशन में जरूर बताना, और परेशान बिल्कुल मत हो। देखो इस चीज से मैंने पहले भी कहा है, आपके रिजल्ट पे कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। अभी तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा उसके बाद डीवी होगा, डीवी में भी आपको पता है टाइम लगेगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, तो तब तक अपना आयोग काम करा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको फाइनल रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना काम भी आयोग करा सकता है। अब रही बात आप लोग जो आयोग जाने के लिए पूछ रहे हो, देखो आयोग बिल्कुल जाओ, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, आपका देखो आंसर की आ गई। अब आप रिजल्ट और डीवी के लिए प्रेशर बनाओगे तभी चीज़ें जल्दी होंगी, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताना, कोई सपोर्ट की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं बार बार कहती हूँ कमेंट सेक्शन में बताओ, सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ रिप्लाई भी करूँ। अब कट ऑफ की बात भी बता देती हूँ, यहाँ पर कई लड़कियाँ लगातार लिख रही कि मैम कट ऑफ कम भी जाएगी। देखो मैं भी आपसे ये कह रही हूँ, मैंने जो बताया है वो आपके कमेंट के, आपके वोट्स के बेसिस से बताया है। अब ज्यादातर लड़कियां अगर 70 में डालोगी तो मैं क्या सोचूंगी, भाई बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा आपका, मैंने तो खुद पेपर दिया नहीं था, ठीक है। तो आप लोग अच्छा पेपर करके आए होगे, ये मैं यही सोच रही हूं। लेकिन आप लोग जो ये बात बोलो कि मैम इतना कट ऑफ जाएगी, देखो मैंने जो मेरिट बताई है वो सीधे आपकी नौकरी के लिए बताई है, डीवी तक के लिए नहीं। डीवी में जरूर एक दो नंबर कम भी जाएगा, और एक दो नहीं और भी नंबर कम जा सकता है, क्योंकि यहाँ अभी एलिजिबिलिटी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। बहुत सी लड़कियां देखो ऐसी भी हैं, मैंने भी पढ़ाया था आपको पता ही है, जो बीए नहीं उनके पास सोशियोलॉजी है, सीधे एमए में है, तो वो लोग देखो एलिजिबल नहीं है। जिनके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है, पीजी में है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है उस चीज को लेकर। मैं सीधे कह दूं कि नहीं है तो भी आप वही कहने लग जाओगे कि मैम आप तो सीधे मना कर दे रहे हो। एमए में देखो जब जनरली ऐसा होता है, ग्रेजुएशन में कोई चीज मांगी है तो आपके पीजी में उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रेजुएशन में मांगते हैं उस चीज को। लेकिन हो सकता है क्योंकि लोग इतने कम हैं, हो सकता है लास्ट जाते थे भर्ती ना ही पूरी हो पाए, तो वो अपने हिसाब से देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आयोग के पास है, किसको लेगा किसको नहीं लेगा। अगर नहीं भर्ती होगी पूरी तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर, जो उनको लगे कि नहीं हम इसको लेना चाहते हो तो वो ले लेंगे, वो सब उनके ऊपर होता है। देखो एज से लेकर हर चीज आयोग के ऊपर है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कुछ डिफाइंड है नहीं, क्योंकि आप सभी ने इतनी बार आरटीआई डाला, इतनी बार पूछा गया, जवाब कुछ भी नहीं मिला है। तो इसीलिए अगले एग्जाम की तैयारी करते रहो, इसमें डीवी में आएगा तो जाना, एलिजिबल हो गए तो बहुत बढ़िया बात है। एलिजिबिलिटी को लेकर अब लगातार परेशान मत रहो, अब एग्जाम दे चुके हो, सब कुछ हो चुका है, अब खाली वेट करो रिजल्ट आने का। रिजल्ट आए डीवी में जाओ, और वहां जाके फिर कुछ इशू होता है एलिजिबिलिटी को लेकर, आपको जब लगता है कि नहीं मैं एलिजिबल हो रहा यहां पे नहीं हो रहा तब बताना, ठीक है। तब तक परेशान मत हो, अभी एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत चीजें कंफ्यूजन में है, मैं बार बार कह रही हूं उसको लेकर परेशान मत हो, कट ऑफ को लेकर ही मत परेशान रहो, जो मैंने बताया है कट ऑफ मोर और लेस मैंने पहले भी कहा था प्लस माइनस 3 कर लेना, यानी कि अब ये नहीं कि मैंने 60-62 बोल दिया तो उतना ही समझ लो, अपने आप 57-58 वाले थोड़ा सा होपफुल रहो, ठीक है। अब 40 वाले को लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगी, जनरल में 40-45 वाले तो होपफुल रहो, वो नहीं पॉसिबल है, ठीक। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बताना, और जी मैंने बता ही दिया आपको देखने का तरीका, तो आगे कुछ भी अपडेट होगी वो मैं दूंगी, बाकी आप खुद से देख लेना। धन्यवाद।